हेलो स्टूडेंट्स, आज मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का फिफ्थ वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में आपको प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा मेन टॉपिक कवर है, इसमें मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो मैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का जो बैकग्राउंड है किस तरह से ये होता है, उसके बाद इसमें एक क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम मैं आपसे डिस्कस करूँगा। सिंक्रोनाइजेशन कराने के लिए कौन से हार्डवेयर का यूज़ करना चाहिए, सेमाफोर से मैं आपको परिचित कराऊंगा, और उसके बाद आपको कुछ इसके क्लासिकल प्रॉब्लम होते हैं सिंक्रोनाइजेशन के, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। क्रिटिकल रीजन क्या होता है, मॉनिटर सिंक्रोनाइजेशन और एटॉमिक ट्रांजेक्शन, ये सारे टॉपिक्स मैं जो है वो आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इसका बेसिक बैकग्राउंड मैं किस तरह से मैं इसको आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत कब पड़ती है। अगर मान लो कि कोई कंकरेंट प्रोसेस है, एक के बाद एक प्रोसेस आ रहे हैं, और वो उनके लिए जो मेमोरी एक्सेस कराने के लिए वो शेयर्ड मेमोरी आप दे रहे हो, मतलब क्या हो रहा है कि मेमोरी जो है कॉमन मेमोरी, और उसको एक से ज़्यादा प्रोसेस उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो इस केस में क्या हो जाता है, डेटा इनकंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। डेटा इनकंसिस्टेंसी इस केस में होती है कि अगर प्रोसेस जुड़े हुए हैं, कंकरेंट है, एक के बाद एक आ रहे हैं, और उसी मेमोरी को यूज़ करके वो उनका प्रोसेस एग्जीक्यूट होने वाला है, तो यहाँ पे अगर डेटा मिसमैच हो जाता है या डेटा कंप्लीट नहीं होता है, और उस इनकम्प्लीट डेटा पे दूसरे प्रोसेस वर्क करने लगते हैं, सिमिलर कंकरेंट प्रोसेस, तो उससे आपको आगे का जो भी डेटा है वो रॉन्ग डेटा क्रिएट हो जाएगा, और ये एक कॉमन प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ही हम लोगों को इसका जो एक्सेस है, मेमोरी एक्सेस से लेके आगे का जो भी प्रोसेस है वो एक सिंक्रोनाइज वे में, एक तरीके से सिक्वेंशियल ऑर्डर में हम लोगों को कराना है कि हमारा डेटा मिसमैच या डेटा इनकंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो। तो इसको किस तरह से करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन तो एक है जिसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के थ्रू हम लोग इसको एक तरीके से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। उसमें करना क्या होता है कि हम लोग टोटल प्रोसेस कैलकुलेट कर लेते हैं। सपोज करो टोटल प्रोसेस एन है, एन कुछ भी हो सकता है, 1, 2 या कुछ भी हो सकता है, और वो एक कॉमन जो है डेटा को यूज़ करेगा। तो अगर हम उसमें सिक्वेंशियल ऑर्डर में डिवाइड कर दें कि ये प्रोसेस 1 है, उसके बाद ये प्रोसेस 2 है, उसके बाद ये प्रोसेस 3 है, उसके बाद ये प्रोसेस 4 है, और सारे टोटल नंबर प्रोसेस काउंट कर लूँ, और उसके लिए हम लोग जो डेटा है वो शेयर्ड, मतलब अगर करूं कि ये पहले प्रोसेस 1 ये डेटा एक्सेस करेगा, उसके बाद प्रोसेस 2 डेटा एक्सेस करेगा, तो ये इस तरह से हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो अब क्या करना होगा, अब हम लोग करना ये होगा, अगर जब प्रोसेस 1 को अगर हम वो डेटा देते हैं तो उस समय हमको एकदम ये कर देना होगा, लॉक कर देना होगा अदर प्रोसेस के लिए कि वो उस समय अलाउ नहीं है उस डेटा को एक्सेस करने के लिए, तो मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। मेरा प्रॉब्लम इस तरह सॉर्ट आउट हो जाएगा कि अब वो जो भी रहेगा नेक्स्ट के लिए वो अपडेटेड डेटा आएगा, और फिर अपडेट जो सेकेंड प्रोसेस के लिए अपडेटेड डेटा मिलेगा और वो उस पर वर्क करेगा, तो उस समय और रेस्ट ऑफ प्रोसेस को या फर्स्ट वाले प्रोसेस को फिर से हम एक्सेस अलाउ नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो जो सिक्वेंशियल प्रोसेस ऑर्डर बना के और कॉमन जो डेटा को हम लोग 1 बाय 1 एक्सेस कराएं, तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाए हैं, यहाँ पे इंट्री सेक्शन दिए हैं, क्रिटिकल सेक्शन लगा दिए। क्रिटिकल सेक्शन का मतलब ये हो गया कि अब रेस्ट ऑफ प्रोसेस वो डेटा एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसमें तीन एक टेक्निकल टर्म आते हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए, तो उनको उन तीन टेक्निकल टर्म्स को हम लोग 3 नेम डिफाइन किए हैं। एक को कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन, एक को कहते हैं प्रोग्रेस, और एक को कहते हैं बाउंडेड वेटिंग। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन वो प्रोसेस हो गया जिसमें हम अगर एक प्रोसेस को अलाउ किए हैं क्रिटिकल सेक्शन एक्सक्यूट करने के लिए, तो उस क्रिटिकल सेक्शन टाइम में दूसरा प्रोसेस को हम प्रिवेंट कर रहे हैं कि वो अलाउ नहीं है उस समय डेटा एक्सेस करने के लिए। और प्रोग्रेस ये कहलाता है कि इफ नो प्रोसेस इज एक्सक्यूटिंग इन इस क्रिटिकल सेक्शन, देयर एग्जिस्ट सम प्रोसेसेस दैट विश टू इंटर देयर क्रिटिकल सेक्शन, देन द सिलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस दैट विल इंटर द क्रिटिकल सेक्शन नेक्स्ट कैन नॉट बी पोस्ट इनडिफिनिटली। तो इसमें प्रोग्रेस ये चीज चेक करता है कि एक प्रोसेस को आप तो डेटा एक्सेस करने के अलाउ कर दिए हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो सारा जो है टाइम वही डेटा एक्सेस करते रहे और किसी और प्रोसेस को एक्सेस नहीं करना पड़े,
अलाउ ना करे, तो यहाँ पे इस को चेक करना है कि क्या कोई और प्रोसेस भी वेटिंग में है जो उस डेटा को एक्सेस करना चाहता है। अगर आपको कंफर्म हो गया कि सम अदर प्रोसेस आल्सो इंटरेस्टेड टू एक्सेस दिस डेटा सेक्शन, तो उस समय आपको ये कोशिश करनी है कि प्रोसेस जो जिसको क्रिटिकल सेक्शन के समय में अलाउ किया गया है शेयर मेमोरी एक्सेस करने के लिए, उसमें उसका प्रोग्रेस चेक करना है कि वो कितना डेटा एक्सेस कर चुका है या कंप्लीट डेटा एक्सेस कर चुका है या कितना परसेंट बाकी है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ना हो कि वो इंडिफिनिट सेक्शन के लिए वो अदर प्रोसेस को ब्लॉक कर दे, जिससे मेरा एक सीरियस इशू हो जाए कि हम आगे का काम कर ही नहीं पाए। बाउंडेड वेटिंग, अ बाउंड मस्ट एग्जिस्ट ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अदर प्रोसेस आर अलाउड टू इंटर देयर क्रिटिकल सेक्शन आफ्टर प्रोसेस हैज मेड अ रिक्वेस्ट टू इंटर क्रिटिकल सेक्शन एंड बिफोर द रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड। एज्यूम दैट ईच प्रोसेस एग्जीक्यूट एट नॉन जीरो स्पीड, नो एजम्पशन कंसर्निंग रिलेटिव स्पीड ऑफ द एन प्रोसेसेस। यहाँ पे हमको एक क्या करना है कि हमको एक जस्ट लाइक एक कह सकते हैं काउंटर या बाउंड टाइप का हमको फंक्शन डाल देना है कि कितना टाइम के लिए और किस प्रोसेस को हम नेक्स्ट प्रोसेस को अलाउ कर रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन में, ताकि हम सारे रिकॉर्ड को मेंटेन कर सके और वो सारे लॉग के फॉर्म में हम चेक कर सके कि किस समय हमने उसको अलाउ किया था नेक्स्ट प्रोसेस को, और फिर वो नेक्स्ट प्रोसेस जो भी अलाउ किया गया था वो कितनी देर उसने एक्सेस किया और फिर कब वो एग्जिट किया। तो यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू मैं इसको डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ। यहाँ पे दो प्रोसेस के लिए बात हो रही है, टू प्रोसेस हैं, एक पी नॉट है एक पी वन है, और उनको हम लोगों ने क्रिटिकल सेक्शन के समय में एक को अलाउ किया है एक को वेट कराया है, और जब तक फर्स्ट प्रोसेस निकल नहीं जाता है उस शेयर मेमोरी से, जब फॉल्स जब तक उसका शो नहीं होता है तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस को अलाउ नहीं कर रहे हैं, और इस कंप्लीट थिंग को हम लोग बोलेंगे सिंक्रोनाइजेशन। तो इसको मैं जो प्रोसेस था जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसका उसके लिए कोई स्पेसिफिक एल्गोरिदम की बात करें तो ये काफ़ी एक कॉमन एल्गोरिदम जिसको कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है, उसका नाम है बेकरे एल्गोरिदम। इन एल्गोरिदम में बताया गया कि सबसे पहले टोटल प्रोसेस को काउंट कर लीजिए कितने नंबर ऑफ प्रोसेस है, टोटल अगर एन प्रोसेस है तो उसके बाद सबसे पहले हम लोग को ये काउंट करना है कि किसको सबसे कम इंटरवल ऑफ टाइम चाहिए। उस तरह से हम लोग सिक्वेंशियल जो कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज कर लेते हैं प्रोसेस को, और उसके बाद हम उसको क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करने के लिए कहते हैं अलाउ करते हैं। तो इसके बाद हम इसमें एक तरीका ये भी होता है कि अगर आप सिक्वेंशियल ऑर्डर में प्रोसेस को अलॉट कर रहे हैं तो अगर इसमें ये चेक करना है कि किस तरह से हम लोग सॉर्टिंग करते हैं, सॉर्टिंग करने का वही तरीका है अगर कोई भी सिक्वेंशियल ऑर्डर या सॉर्टिंग करके या बफर सॉर्टिंग करके हम फाइनली कैलकुलेट करते हैं कि किस प्रोसेस को फर्स्ट में इंटर करना है, तो आपस में कंपेयर करते हैं और जिसका सबसे एग्जीक्यूशन टाइम कम लगेगा उसको सबसे पहले हम लोग अलाउ करते हैं। ये आपका बेकरी एल्गोरिदम है, यहाँ पे हम लोग अलाउ किए हैं और फाइनली हम लोग इसको हम लोग एक एरे के फॉर्मेट में बना लिए हैं, और उसके बाद हम एक एक करके इसको अलाउ करते जा रहे हैं और ऑर्डर चेक करते जा रहे हैं, और एक को अगर इंटर करने का परमिशन मिला है तो नेक्स्ट को हम लोग वेट करा रहे हैं। ये कंप्लीट प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पे हम लोग कंपेयर यहाँ पे हो रहा है आपस में, और इसमें यहाँ चीज़ चेक किया जा रहा है क्रिटिकल सेक्शन में किसी और प्रोसेस को तो अलाउ नहीं किया गया है, और फाइनली हम लोग जब फॉल्स हो जाता है तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस को हम लोग अलाउ करते हैं, कंप्लीट प्रोसेस फॉल्स हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि नो प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड। अगर हम लोग सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर की बात करें तो इस तरह का एक डिवाइस होना चाहिए कि वो ऑटोमेटिकली चेक करे कि जिसको कहें कि बुलियन केस में, अगर बुलियन केस का सिर्फ ट्रू और फॉल्स कंडीशन होता है तो उसमें अगर हम जिस प्रोसेस को अलाउ करते हैं क्रिटिकल सेक्शन के समय में शेयर मेमोरी के लिए, तो उस समय उसको ट्रू कर देंगे, रेस्ट ऑफ को फॉल्स कर देंगे, और जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा फिर उसको फॉल्स करेंगे, और फिर जैसे बेकरे एल्गोरिथम या किसी और एल्गोरिथम के थ्रू कंपेयर करेंगे कि नेक्स्ट किस प्रोसेस को अलाउ करना है, कंपेयर करेंगे उस प्रोसेस से रेस्ट ऑफ प्रोसेस के लिए, और जो फिर सबसे उससे जस्ट बड़ा प्रोसेस मिलेगा उसको फिर हम लोग अलाउ करेंगे और समय वो ट्रू होगा बाकी रेस्ट ऑफ फॉल्स हो जाएगा। ये एक डिवाइस है म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए, टेस्ट एंड सेट का वही प्रोसेस है, ट्रू एंड फॉल्स के थ्रू हम लोग लॉक करेंगे रेस्ट ऑफ प्रोसेस के लिए, और उसमें जिस प्रोसेस को लॉक करेंगे उसको ट्रू करेंगे, रेस्ट ऑफ को क्या कर देंगे लॉक करके फॉल्स कर देंगे, ताकि ऐसा ना हो कि सारे प्रोसेस लॉक कर दें और इसके चलते प्रॉब्लम हो जाए। अगर हम लोग एक डिवाइस की बात करें तो एक सेमाफोर डिवाइस है, सेमाफोर डिवाइस का वर्क है कि सिंक्रोनाइजेशन टूल्स इसमें होता है, सिंक्रोनाइजेशन टूल्स के थ्रू ये सबसे पहले प्रोसेस को
सिंक्रोनाइज करता है कि सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस सिक्वेंशियल ऑर्डर प्रोसेस है और साथ में शेयर मेमोरी में कॉमन डेटा को एक्सेस करेंगे, तो यहाँ पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही होती है जिस कंप्लीट प्रोसेस से, कि अगर एक प्रोसेस को इंटर करने के लिए अलाउ मिला तो रेस्ट ऑफ प्रोसेस को वेट कराएंगे उस टाइम में। तो ये कंप्लीट प्रोसेस को अगर हम लोग सेमाफोर से हैंडल करें तो वही सारा चीज़ लगेगा, बेकरे एल्गोरिथम का यूज़ करना होगा और म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोसेस को अलाउ करना होगा और क्रिटिकल सेक्शन वाला सेक्शन अलाउ करना होगा और प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करना होगा, कॉमन डेटा के लिए शेयर मेमोरी एक्सेस कैसे से हो। तो ये सेमाफोर काफ़ी अपने आप में इस तरह से बेस्ट वे में वर्क करता है। तो यहाँ पे सेमाफोर के थ्रू इसी प्रोसेस को हम लोग ने किया है कि एक शेयर वेरिएबल है, हम लोगों ने मुटेक्स वन कर दिया, मुटेक्स वन दे के हम लोगों ने प्रोसेस को अलाउ किया है, रेस्ट प्रोसेस को वेट कराया क्रिटिकल सेक्शन में, फिर ये जब ये वर्क कंप्लीट कर लिया तो फिर सिग्नल देता है कि नाउ आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, तो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए फिर मुटेक्स वन अलाउ किया जाता है और नेक्स्ट प्रोसेस को हम लोग इस तरह से सारा काम करते हैं। सारा प्रोसेस वही है, सिर्फ ये सेमाफोर के थ्रू हैंडल हो रहा है। तो सेमाफोर के वर्क करने का ये प्रोसेस है कि ये क्या करता है कि डिफाइन है सेमाफोर एज ए रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के फॉर्म में सेमाफोर को हम लोगों ने डिफाइन किया या वैल्यू हमने इंटीजर के फॉर्म में लिया, एल जो डिफाइन करेगा लिस्ट ऑफ प्रोसेस होगा, ये एक तरह से वेरिएबल डिसाइड कर लिया हम लोगों ने, रिकॉर्ड नाम से एक लिया जो सेमाफोर यहाँ से स्टार्ट हो रहा, टोटल कितने वैल्यू होंगे ट्रू और फॉल्स के केस में, वन और जीरो, और लिस्ट ऑफ प्रोसेस टोटल कितने प्रोसेस होंगे। और यहाँ पे सारा काम स्टार्ट करते हैं, दो ही काम इसको करना है, पहला काम करना है कि ब्लॉक सस्पेंड द प्रोसेस दैट इनवॉक्स इट, तो सारे प्रोसेस को सस्पेंड करना है उस टाइम में जिस समय दूसरे प्रोसेस को हम अलाउ कर रहे हैं, वेकअप पी रिज्यूम द एग्जीक्यूशन ऑफ ब्लॉक प्रोसेस पी, यहाँ से पी से रिज्यूम कर रहे हैं और पी से हम लोग ब्लॉक भी कर रहे हैं और उसके थ्रू हम लोग प्रोसेस को हम लोग स्टार्ट करा रहे हैं, रेस्ट ऑफ प्रोसेस को ब्लॉक कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये सारा प्रोसेस आगे कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं एस वैल्यू इज इक्वल टू एस वैल्यू माइनस वन, यहाँ से वेट किसको करा रहे हैं, जिस प्रोसेस को हमको रेस्ट ऑफ प्रोसेस के लिए, और फिर उसको हम लोग यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं और जब वैल्यू वन हो रहा है तो फिर जो है हम तब तक कर रहे हैं जब तक कि वैल्यू वन नहीं हो जा रहा है, और फिर हम लोग चेक कर रहे हैं और फिर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जनरल सिंक्रोनाइजेशन इसका जो टूल्स है ये थोड़ा देख लेते हैं, सिग्नल फ्लैग है इसका और ये वेट फ्लैग है इसका, पीआई से ए तक इसका सिग्नल फ्लैग है और पीजे से वेट फ्लैग बी के लिए है। अब आइए थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है डेडलॉक का सिचुएशन। डेडलॉक का सिचुएशन तब अराइज होता है जब आप एक प्रोसेस को इंटर करा दिए हो और उससे ज़्यादा प्रोसेस बाहर वेट कर रहे हैं, वेट इंडिफिनिट पीरियड तक करते रह गए और वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, जिसके चलते डेडलॉक सिचुएशन आ जाती है कि प्रोसेस अब आगे नहीं बढ़ पाएगा और फिर जो है ये प्रोसेस को हमको स्टॉप करना होगा या सस्पेंड करना होगा या क्या करना होगा। तो डेडलॉक सिचुएशन में हमें जाके फाइनली ये पता चल जाता है कि एक प्रोसेस ने मेमोरी को एक्सेस किया हुआ है और रेस्ट ऑफ प्रोसेस क्या हो गया, इंडिफिनिट ब्लॉकिंग के केस में आ गए। तो उस केस में हम इसको कैसे हैंडल करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक स्टार्वेशन लगाते हैं जिसमें इनडिफिनिट ब्लॉकिंग जब केस हो जाती है कि जब तक उसको काम को ये कंप्लीट नहीं कर पाए और ये काफ़ी वर्क टाइम फ्लो में कंटिन्यू रह गया, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग स्टार्वेशन के थ्रू उस प्रोसेस को हम लोग सस्पेंड कर देते हैं। तो ये एक ऑप्शन है। अगर हम लोग सेमाफोर की टाइप की बात करें तो टू टाइप्स के होते हैं, काउंटिंग सेमाफोर होता है, एक बाइनरी सेमाफोर होता है। काउंटिंग सेमाफोर उसको कहते हैं काउंटिंग जिसमें हम लोग इंटीजर वैल्यू कैन रेंज ओवर एन अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन के फॉर्मेट में काउंट कर सकते हैं, और बाइनरी सेमाफोर नाम से ही क्लियर है, ट्रू और फॉल्स के केस में होता है। तो ये आपका दो ही होगा सेमाफोर, या तो जीरो होगा या वन होगा, और काउंटिंग सेमाफोर का कोई इंटीजर वैल्यू लिमिट नहीं होता है। और आइए हम लोग कुछ क्लासिकल प्रॉब्लम जो है सिंक्रोनाइजेशन के हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसमें एक प्रॉब्लम होता है बाउंडेड बफर प्रॉब्लम होता है, एक को कहते हैं हम लोग रीडर राइटर्स प्रॉब्लम कहते हैं, और एक को कहते हैं हम लोग डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। सबसे पहले ये समझ लीजिए जाए कि बाउंडेड बफर प्रॉब्लम क्या होता है। बाउंडेड बफर एक क्लासिकल ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रॉब्लम है जिसमें हम लोग शेयर्ड डेटा के लिए हम लोग और शेयर्ड प्रोसेस जो होते हैं सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस के लिए वर्क कराते हैं। इसमें एक बफर होता है जिसमें दो कॉन्सेप्ट होता है, एक प्रोड्यूसर का कॉन्सेप्ट होता है, एक कंज्यूमर का कॉन्सेप्ट होता है। प्रोड्यूसर का कॉन्सेप्ट होता है कि डेटा को राइट करना है, और कंज्यूमर का काम होता है डेटा को रीड करना है।
तो यहाँ पे सिक्वेंशियल ऑर्डर में बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं और सिक्वेंशियल ऑर्डर में बहुत सारे कंज्यूमर हैं, तो यहाँ पे इस चीज़ को चेक किया जाता है कि किस केस में हमको राइट करना है और किस केस में हमको राइट नहीं करना है, किस केस में हमको रीड करना है। तो सबसे पहले राइट करने के लिए तब प्रोसेस आता है कि जब देख लिया जाता है कोई और प्रोसेस में राइट ना कर रहा हो, उस केस में उस प्रोसेस को राइट करने के लिए अलाउ मिलता है, और जैसे ही वो राइट कर लेता है तो वो एंट्री इससे एग्जिस्ट हो जाता है, और नेक्स्ट जो कंज्यूमर होता है वो उस प्रोसेस को रीड करता है कि जो नया डेटा आया है उसको रीड करके, इस तरह से प्रोसेस कंटिन्यू होता है। इसको हम लोग क्लासिकल बाउंडेड बफर प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कितने सारे आइटम्स हैं, बफर को हम लोग चेक करेंगे फुल है एम्प्टी है, मुटवेक्स है सेमाफोर, नेक्स्ट किसको देंगे, नेक्स्ट सी, ये सारे एक्चुअली डेटा वेरिएबल्स हैं। फुल के केस में हम लोग तब देंगे जबकि कोई और राइट करने के लिए परमिशन नहीं है, यानी एक ऑलरेडी राइट कर रहा है, तो हम उस केस में फुल शो कर देंगे कि नाउ देयर इज़ अ फुल, नो अदर प्रोड्यूसर आर अलाउड टू राइट। और कंज्यूमर केस में देखेंगे कि एम्प्टी है, यानी कोई भी अब नहीं लिख रहा है, तो कंज्यूमर को हम उसमें से अलाउ करेंगे और फिर फाइनली एक कंज्यूमर उसको रीड करेगा। तो फिर से वही हो गया, वेट वाला सिचुएशन आएगा, तो उसमें हम एम्प्टी, ये हो गया आपका कंज्यूमर के लिए और ये हो गया आपका प्रोड्यूसर के लिए, ये प्रोसेस पूरा कंटिन्यू हो रहा है। आइए अब रीडर राइटर्स प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं। रीडर राइटर्स प्रॉब्लम्स जो है एक अगेन क्लासिकल एग्जांपल्स है। इसमें क्या है कि एक कॉमन स्पेस है जहाँ पे बहुत सारे लोगों को रीड करना है और बहुत सारे लोगों को राइट करना है, तो वहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट हो गया कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेमाफोर से और काउंट करेंगे किस प्रोसेस को राइट करने के अलाउ करना है सबसे पहले, फिर उसके बाद उससे सिक्वेंशियल ऑर्डर में कौन से प्रोसेस को रीड करना है। तो यहाँ पर फिर वही कॉन्सेप्ट है कि अगर वो राइट कर रहा है तो रीडर को अलाउ नहीं है रीड करने के लिए, जो कंप्लीट राइट कर लेगा तब नेक्स्ट प्रोसेस जो रीडर जिसको अलाउ किया गया वो रीड करेगा, उससे फिर राइटर को अलाउ नहीं है राइट करने के लिए जब तक कि कंप्लीट रीड नहीं कर लेता है। तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छा क्लासिकल एग्जाम्पल है कि रीड होगा अपडेटेड डेटा राइट करेगा, अपडेटेड डेटा को रीड करेगा, फिर राइट करेगा, फिर अपडेटेड डेटा को रीड करेगा, और यह प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो ये इसका एल्गोरिदम है, ये सिंपल सेम फॉर्मेट में इसका एल्गोरिदम है। डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है, क्लासिकल एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, एक सर्कुलर टेबल लगा दिया जाता है और उसके साथ में चेयर लगा दिया जाता है, वहाँ फिलोसोफर लोग को बैठाया जाता है, उनके सामने प्लेट सजा दिया जाता है, लेकिन कंडीशन ये होता है कि एक फिलोसोफर को एक ही चॉपस्टिक दिया जाता है, तो एक चॉपस्टिक से तो वो खा नहीं सकते हैं, तो वो तभी खा पाएंगे ईट कर पाएंगे जब नेक्स्ट फिलोसोफर उनसे अपना चॉपस्टिक शेयर करेगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि वही फिलोसोफर सिर्फ खा पाएगा जिसको चॉपस्टिक शेयर किया गया, नेक्स्ट फिलोसोफर क्या करेंगे उस समय वेट करेंगे। तो यहाँ सिक्वेंशियल ऑर्डर में क्या होता है कि चॉपस्टिक शेयर किया जाता है और जब चॉपस्टिक जिसको शेयर किया जाता है वो खाता है, बाकी रेस्ट ऑफ फिलोसोफर उस समय क्या करते हैं, वेट करते हैं, और यह प्रोसेस तब तक कंप्लीट होता है जब तक कि सारे फिलोसोफर खाना नहीं खा लेते हैं। तो ये इसका क्लासिकल एल्गोरिदम है कि जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया, तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। और तो ये चैप्टर एक अपने आप में जो सिंक्रोनाइजेशन चैप्टर था जिसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन और हम लोगों ने क्रिटिकल रीजन देखा, हम लोगों ने बाउंडेड बफर प्रॉब्लम्स और हम लोग डाइनिंग फिलोसोफर और सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को देखा, सिंक्रोनाइजेशन को देखा, डेडलॉक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए स्टार्वेशन का यूज़ किया। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा, तो वीडियो लेक्चर अगर पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स को इसको शेयर कीजिए, क्योंकि इस समय आपको ऑनलाइन कॉन्सेप्ट ही आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि आपको जस्ट इसको कंप्लीट करना है और जैसे ही कॉलेज आपका रीओपन होगा तो आपको तुरंत ही एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहना है, तो आपको कोई भी कोताही नहीं बरतनी है अपने स्टडी से रिलेटेड, आप एकदम जुटे रहिए, क्योंकि यही एक समय है, एक नए तरह से ट्रेंड है कि ऑनलाइन स्टडी करके किस तरह से अच्छे मार्क्स प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आपको अपने नेचर को बदलाव लाना ही होगा, तो आपको घर पे अगर बैठे हो तो टाइम को मिसयूज नहीं कीजिए, अपने वीडियो लेक्चर्स को देखिए, साथ में अपने फ्रेंड्स से भी डिस्कस कीजिए, उनसे भी शेयर कीजिए, और जितने हो सके मैक्सिमम जो और भी दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट और दूसरे लोकेलिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको